बन के हो गया है रेडी। और ये कैसा बना है, जाती हूँ पहले अपने हस्बैंड को, उनको देती हूँ। अरे वाह मैडम, कितने का एक पीस, कितने का है ये? मैं बोल रहे हैं ये अच्छा है, सही में सही में हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं हूँ किचन में, तनु देखो बना रही सब्जी, और मैं आज ना एक नई रेसिपी बना रही हूँ। नई नहीं है, मतलब मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ और फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही हूँ कैसा बनता है कैसा नहीं। और मेरा देखो लुक देखो, मैंने साड़ी वेयर किया है। तो मैं बता रही हूँ क्या बनाने वाली हूँ, पहले मैं दिखा देती हूँ, ठीक है? मैंने तैयारी कर रखा है। पत्ता गोभी जो मुझा पत्ता गोभी, गाजर जिसको ग्रेट कर लिया है, और इसका पानी भी मैंने ऐसे निचोड़ के निकाल दिया है, और ये रहा कैप्सिकम, इसे भी ग्रेट करके सबका पानी मैंने निकाल लिया है, लहसुन अदरक मिर्ची और ऑनियन इसे भी चॉप कर लिया बारीक, और इसको चल रही हूँ भूनने। बनाने जा रही हूँ मैं बनाने मोमोज, तो देखती हूँ कैसा बनता है, आई होप कि अच्छा बने। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ लहसुन, और अभी अदरक डालूँगी, फिर मिर्ची, इनको हल्का हल्का चला लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ये ड्राई जैसा बनाना है। और फिर डालूँगी मैं इसमें प्याज, प्याज को भी मैंने चॉप कर लिया था चॉपर से, और पत्ता गोभी और गाजर को भी मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था, और उसका पानी मैंने गार के बहुत अच्छे से निचोड़ दिया था, मैंने निचोड़ के इसको बिल्कुल ड्राई बना दिया, लेकिन थोड़ा बहुत तो नमी रहती है, वो तो अभी कढ़ाई में जाएगा तो वो भी थोड़ा सूखा हो जाएगा। तो जब तक से ये अच्छी तरीके से इसका स्टफिंग रेडी ना हो, तब तक से मोमोज अच्छा नहीं बनता है। एक्चुअली मैं तो खैर पहली बार बना रही हूँ, पर देखती हूँ कैसा बनता है। कहते हैं ना, कुछ भी चीज़ अगर बिना ट्राई किए होता नहीं, अगर पहले से ही हम जान जाएंगे अच्छा नहीं बनेगा तो फिर हम बनाएंगे कैसे। इसलिए पहले बनाओ, ट्राई करो, और इसी उम्मीद में बनाओ कि अच्छा बने। तो मैं तो इसी उम्मीद में बना रही हूँ कि अच्छा बने। फिर यहाँ पर डाल रही हूँ, देखो ये ब्लैक पेपर है, काली मिर्च का पाउडर है जो मैंने घर पे इसका पाउडर बनाया है, और बाकी जो सॉसेज है वो डालूंगी, डार्क सोया सॉस और चिली सॉस, टोमेटो सॉस, विनेगर वगैरह सारी चीज़ें मैं डाल दूंगी। मैदा, मैदे में डाला नमक और ऑयल, इसे जा रही हूँ मैं आटा लगा, आटा लगा इसका जा रही हूँ डो तैयार करने, खेत में बहुत आटा हो ही जाता है मुझे। पानी के लिए झगड़ा करती है, ले रही है। अरे मौसम को अपना वाला यहाँ ना पीस, मेरा वाला ले रही है, मेरा क्यों ले? आप मेरा ली तो जितने वाला आप मेरे लिए, ये मेरा पानी लेके कर रही है, मैंने इसका थोड़ा सा ले लिया तो बदला ले रही है। देखती कितना किसका जल्दी लगता है, उसका कि मेरा, आप ही का लगेगा, आपका बेसन है, मैदा गूंदने में टाइम लगता है, मैं इतनी पता नहीं कि जल्दी से चिकना ही नहीं होता है, गर्म पानी करके सब कुछ चिकना हो जाता है। ये आइडिया मुझे दी नहीं पहले आपने मांगा अलग हो गई है, एक तरह रोटी खाई थी और मैं देखो भाई इसका कढ़ाई भी देखो कितना बड़ा है, कितना सब्जी बनाई थी, मेरा छोटा सा है, मैं भाई छोटी सी हूँ, पतली सी हूँ, मैं इतना ही खाती हूँ।
इतना आटा गूंद रही, कितना रोटी खाएगी? अब मैं तो थोड़ा ही आटा गूंद रही हूँ, मैं थोड़ा खाऊंगी। ये मुझे देखो आते ही अलग आते पानी, ये देखो है मेरे से छोटी, सब कुछ बड़ा बड़ा लिए, देखो ये भी बड़ा मेरा छोटू सा, ये देखो परात बड़े लोगों का संतोष करना चाहिए, ये परात, ये मेरा छोटा कढ़ाई भरी, मेरा छोटा कढ़ाई बोलो संतोषम परम सुखम, आपका संतोष नहीं कर, आज के टाइम में कोई संतोष नहीं करता, सीधे मार करता है। ये मेरा लग गया तो मैंने मैदे का डो लगा लिया, बहुत ही हार्ड होता है, उसे लगाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगती है क्योंकि जल्दी से वो सॉफ्ट होता नहीं है। लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए मैंने उसे ढक कर के रख दिया था, फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे जल्दी, तो उनको मैं उनके लिए चाय बनाने लगी थी, खाना तो बना नहीं था इसलिए वो अपना चाय पी रहे हैं, चाय बना के दे दिया। और यहाँ पे कढ़ाई पे मैंने पानी भी रख दिया गर्म होने के लिए, स्टीम होने के लिए। और मैदे को मैं यहाँ पे मैं बेल रही हूँ और इसका स्टफिंग करूँगी। और ये जो प्लेट है उसमें मैंने ऑयल को ग्रीस कर लिया है, और इधर वो रोटी बना रही है तन्नू, यहाँ पे मैं इधर मोमोज़ बना रही हूँ। मोमोज़ बनाया लेकिन हमारा खाना भी बच गया था, क्योंकि मोमोज़ भी लोग खाएं और रोटी भी बच गई थी, सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि ये पहले से मैंने बन गया से, मैं सोच रही हूँ ये मोमोज बनाने के लिए, एक वीक हो गया, आज बनाऊँगी आज नहीं बना पाई कल बनाऊँगी, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता था ना कि कुछ चीज़ें और बन जाती थी, ये रह जाता था। आज तो मैंने कुछ भी पहले से सोचा ही नहीं, बस शाम को ही, शाम हुआ चाय पीने के बाद से मैंने कहा आज मैं मोमोज बनाऊँगी, तो तन बोली फिर खाना के क्या होगा, खाना भी बनेगा मोमोज भी बनेगा सब खाएंगे, आज लग गई तो लगी गई भी, जबकि आज मैं रेडी हुई हूँ साड़ी पहने फिर भी मैं लग गई बनाने में। अब चलते हैं देते हैं उनको, कैसा बोलते हैं, बनके हो गया है रेडी, और ये कैसा बना है जाती हूँ पहले अपने हस्बैंड को, उनको देती हूँ। और मुझे भी अच्छा लगता है गाइस, ये अच्छा लगता है। अरे वाह मैडम, कितने का एग्रीस, कितने का है ये फिलहाल? अभी ये 20 रुपये प्लेट है, मैं जानती हूँ महंगा है लेकिन अभी उसको बंद कर दो, पहले खा के बताओ मुझे कैसा बना है। नहीं गर्म नहीं है, अभी निकाल, ठंडा हो गया। देखो अच्छा हो चाहे खराब हो, पहली बार बनाई हूँ, इसको कम नहीं कर सकते, मीट नहीं कर सकते। हैं सच में कि झूठ में कि वीडियो में बोल रहे हैं? सही में अच्छा है, तो मेरा मेहनत सफल गया, मेहनत से बनाई, किसी भी काम को बिना मेहनत के तो होता नहीं है, बिना मेहनत के फल नहीं मिलता है, फल मिल गया मुझे, उन्होंने फल दे दिया मुझे, बोले अच्छा है। हाँ हाँ ले थोड़ा सा पूरा खा, पूरा खा, पूरा पूरा खा। अच्छा अच्छा है, ट्राई करने से क्या नहीं हो सकता, मैंने देखो ट्राई किया बना ना अच्छा, आप लोग भी ट्राई करना और कमेंट करना।
तो सब लोगों ने खा लिया, मैं बची थी खाने के लिए। बच्चे तो खा ही रहे, हस्बैंड भी खा रहे हैं और साथ में उनको खाना भी दे दिया था। यहाँ पे मैं तन्नू को बोल रही हूँ आओ खाओ, तो वो खा नहीं रही है, उसे एक्चुअली उसे पसंद नहीं है। तो फिर भी मेरे कहने पे एक खाई, बोली बना तो टेस्टी है। बट होता है ना, किसको किसी को कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती है, पर फिर भी टेस्टी बना था, इस वजह से वो खा भी ली। तो वो तोड़ के खा रही है, तो यहाँ पे मैं भी खा रही हूँ साथ में। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आया था, किट्टू को बहुत पसंद आया, बोला मम्मी बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी बनाया है, मुझे बहुत पसंद है, बिल्कुल मार्केट की तरह लग रहा है, हम बाहर जो खाते वैसा लग रहा है। छोटे छोटे बच्चों को भी टेस्ट बताया मोमोज का कि कैसा टेस्ट होता है। क्या पल्च बनाई? हाँ। अच्छा दिखा दो, यहाँ दिखा दो, यहाँ दिखा दो, इधर इधर देखो, दिखा, दीदी ने पल्च बना दिया और नाव पल्च बनाया, नाव बनाया। तो गाय चलिए, अब मैं जा रहे बच्चों को कुलान में भी जा रही चेंज करने। और मोमोज ने बहुत अच्छा बना था, ये मैं नहीं कह रही, मेरे हस्बैंड कह रहे, तनु भी कह रही, मैं भी कहा अच्छा बना था बेटा। मम्मी अच्छा बना था, मुझे कुछ कहना है, कल मैं अपने लिए स्कूल का पाउच बनाऊंगा ना, मुझे। ओके, तो अब चलिए फ्रेंड्स, बहुत रात हो गई है, मतलब 11 बज रहे हैं, तो वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। तो अब मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट स्टोर में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, बाय।